प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन भारतवासियों को समर्पित किया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच रविवार सुबह लगभग 7:30 बजे पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ किया गया। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नई संसद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। पीएम ने यहाँ संगोल को भी स्थापित किया। इस दौरान पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद थे। सर्वधर्म प्रार्थना में अलग अलग धर्मों से जुड़े गुरुओं और लोगों ने पूजन किया। أنا من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سوهي ملا پنجوان सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डिठी सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डिठी रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा उहां संत करे हर रंगा तेह गीत नाद अखारे संगा उहां संत करे हर रंगा तेह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा तेह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गुज कथाए गुर ते जानी नानक बोले हर हर वाणी गुज कथाए गुर ते जानी नानक बोले हर हर वाणी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।